नाजिन आइए देखते हैं कि क्लासिकल मौसिकार प्यारे खान की बैठक में क्या हो रहा है। टेक अ लुक। लग गया तो मार मरे। मरे पिटे में तेनों ये नहीं पता लक कितों तक करे शौक है। हाथ स्लिप हो गया, माफ करना। तेनों हाथ से जुती पाया कर स्लिप हो गया। जदों का तेनों शिगिरद रखे प्यारे खान की बैठक ने कोई गाहक नहीं वेखे। प्यारे खान मैनू तो वेखन डे ऐसा रिछ नुमा मैं शिगिरद रख लिया। माफ करना जी। हुण मैं राग लगा लाण ते तू सिर दुआ करनी इहनू नहीं विझाणा। एक दुआ करनी मेरा राग लग जाए, दूजा करना गाहक लग जाए। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। गुलों में रंग भरे बाद मरे लुडी हेजमा लो भी जान दे। जो मैं करना वो कर, मूड उंज दा कर। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। देखो मैंने देखा है जे एक कबनर फूलों के शहर में है उसका घर। क्या समा है तू कहां मैं आई 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 बेजा। मैं सदके जावा पन पाग साडे कीड़ी करन रहन तेरी वड्डी भैन। पता क्या असल में मैं इसलिए आई हूँ कि हमारे घर में ना एक फंक्शन है। भागा वाले लोग घरों फंक्शन होंगे इधर जो देखो मौत तो हुई होंगी मरने के घर। मेरे भाई की मेहंदी है। मेहंदी है? हाँ जी 15 मार्च को मेहंदी है। मेहंदी नी मेहंदी मेहंदी नी मेहंदी आज रल के लावण आया ने पैणा ते पर जाया। अच्छा सुनाए वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। कोड़ी मरे फकीर दी जड़ी कहो तो नित करे। कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी कहो तो नित करे। ओए केड़ी टर्मिनेटर कुत्ती हो जड़ी मरण नहीं डई। मरे नु गोलियां वजदियां फिर उठ के टर पेंदी। मेरे मगर को पै गया कुत्ती ते मगर पवो। मैनू ओदे मगर ना पा आप ओनू छड़ दे मरे। अल्लाह को प्यारे खान साहब फिटे मरे ओदी कुत्ती नहीं मरण डई तेरा प्यारे नहीं हटण डया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं केड़ा दफ्तर खोल बैठा। मेरी बात सुन एक गाना आपको बताती हूं उसमें इसकी कुत्ती नहीं आ सकेगी। अच्छा हां चिट्टा कुक्कड़ गाएं। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते जदों दे ए आए महंगाई चढ़ गई बने रे ते। चिट्टी कुत्ती बने रे ते दोर फिटे मुंह तेरे ते। मरे कस्टमर नु डील कर लेने दे। चल भी अपना पितल दी असी ना। ओ मेरी बात तो सुने अल्लाह को प्यारे खान साहब आप गाया रहे इसको बजा क्यों नहीं रहे। बजाना कोई औखा काम नहीं अल्लाह माफ करे रियासतां कीतियां हुण ते फेर आंदा है। हां तो आपके इतना नाम है आपका। नहीं नाम नूं छड्ड तूं बजाण दी गल करना। बजाएं जरा उस्ताद आंदे पानी भरने पैंदे ने जिंदगियां गालियां पैंदियां। लो जी मैं सदके जावां इन्हां गल्लां तों मैं तैनूं रखिया वरना तेरी कोई क्वालिटी है। अच्छा मैं सारियां गल्लां छड्ड दस फंक्शन कदों तेरा। 15 मार्च को। 15 मार्च नूं अपना ला रेखा। हाँ जी जरा वेख डेट खाली है। हाँ जी यकम तुला के कती तकर खाली है जी। अच्छा 15 तरीक नूं असीं आ नहीं सकदे। क्यों 15 तरीक नूं साडी डेट खाली है। हमारे दिन डिसाइड हो चुके हैं 15 या 16। 15 16 नूं तो असीं वेले हैं बहुत जरूरी वेले हैं असीं। मतलब आप बिजी हैं उस दिन। साडे को तो इन्ना टाइम है सारी तेरी सिर खुरकते रहने। पहले कर ला तेरी मेहरबानी थोड़ा साडी खातिर इन्ना नहीं कर सकती। 5 नूं रख लै 4 नूं बुला लै 3 नूं बुला लै कल नूं बुला लै अज बुला लै उठ चलिए। उठ मुकाइए विचों। अच्छा ठीक है अगर 15 16 को आप बिजी हैं तो मुझे आपसे काम नहीं है। मुझे तो बस एक छोटी सी फेवर चाहिए थी। ओके मुझे ना 2-2.5 घंटों के लिए ढोलकी चाहिए मेहंदी में बजाने के लिए। मरे तेरी मेहंदी जी बंब बजे नहीं किधरे इधरों मेहंदी लगे उधरों तुहाडे घर च बस बजे। मरे तुहाडी बेबे कवे मेहंदी नहीं मेहंदी ते दूजी कवे एम्बूलेंस नहीं एम्बूलेंस। इसे करके मैं कहना कुत्ती मरे फकीर दी।
नहीं मरे अद्धा घंटा साढ़े गाने सुने ने तू वो तो चाहिए तेन मेरी ढोलकी है ते मरे साड़ी एनर्जी क्यों वेस्ट की थी है? वो मैं इसलिए कि मैं याद करने के लिए सुन रही थी मैंने गाने जो है मैं मरे याद करने आसे सी टीचर आसे याद करने आसे स्कूल खोले आसे मरे प्राइमरी दे उस्ताद आसे शकल देख अपनी जिवें लंडे दे कोट तो लीर बाहर आई हुंदी याद दस मैनू क्या कि उन्हूं क्या तेरा कख पता नहीं मरे तेरा हाथ उरे रह जांदा अच्छा चलो ठीक है मैं तो सोच रही थी आपकी ढोलकी भी ले जाऊंगी तो आपको रेंट भी दे दूंगी 400-500 कुछ 400-500 जी जी ढोलकी का रेंट जी जी तू बाजा भी रख ढोलकी भी रख सानू भी नाल लै चल रुपया 400 दे दे चल 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 वेलकम बैक टू वाचिंग तारों से करें बातें मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलने लगी हूँ यहाँ पर ये राउंड हमारा जो है इसका नाम है लगाई बुझाई राउंड ठीक है और इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगी एक एक करके अलग अलग और आप लोगों ने जवाब देना है कुछ ऑप्शंस होंगे मगर एक ऑप्शन पिक करनी है आप लोगों ने ये गेम का रूल है डरना नहीं है घबराना नहीं सच बोलना है अगर किसी फिल्म में आपको काम करने का मौका मिला तो किस हीरो की हीरोइन आप नहीं बनेंगी ऑप्शंस में है फवाद खान अली जफर या फिर शहरयार मुनव्वर शहरयार मुनव्वर शहरयार मुनव्वर आपके लिए हमारे शो पे कह रही है मैमुना कि आपको काम करना नहीं आता मैं आपके साथ तो कभी भी हीरोइन नहीं बनूंगी मुझे कभी भी कोई फिल्म आपके साथ ऑफर हुई तो वो फिल्म मैं इनकार कर दूंगी करने से बेटर कि आप भी मेरे साथ कोई फिल्म ना कीजिएगा ये उन्होंने कहा नहीं अगर करने का मौका मिला तो मैं कर भी लूंगी होने की फायदा जो पहले बोला था वो तो मैंने कह दिया ना निशान साहब आपसे सवाल है कि कौन से सिंगर को अब गाने चोरी करने छोड़ देने चाहिए ऑप्शंस में है नदीम अब्बास लूने वाला गुलाब या फिर मजराही गुलाब 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 काफी बार आप हमारे शो पे आ चुकी मेरी बहन काफी आपने गाने गाए मुझे आज पता चला कि आपने जो जो गाने गाए चोरी के गाए यहाँ पे निशान रोकड़ी साहब हमारे शो पे खास आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप चोरी के गाना छोड़ दें तो शायद आप कोई अच्छी सिंगर बन जाए जब तक चोरी के गाने गाएंगी तब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी जब तक अपनी खुद की पहचान नहीं बनाएंगी तब तक आपकी अपनी पहचान नहीं बनेगी यहाँ पे निशान रोकड़ी साहब ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा बहन कौन सी मॉडल मॉडलिंग कम और लगाई बुझाई ज्यादा करती है ऑप्शंस में है नादिया हुसैन नताशा हुसैन या फिर फिजा अली फिजा अली मेरी बहन फिजा अली कोई गल नहीं है अल्लाह को लो पाएगी मेरी बहन फिजा अली हमारी मेहमान कह रही है कि तुम एक्ट्रेस हो ही नहीं सारी दुनिया देख रही है कि फिजा अली शो पे बैठी सबके साथ लगाई बुझाई करे हां जी वो कह रही है फिजा किसी काम की नहीं है ना कपड़े अपने हैं ये भी अभी वापस करने हैं जाके ये वो कह रही है कि ये बाल भी अपने नहीं है ये भी एक्सटेंशन है कोई तेल लगा लगा के बड़े किए हैं निशान साहब के सदाकार के लिए कभी गुलकारी नहीं करेंगे मतलब एज अ प्लेबैक सिंगर उनके लिए परफॉर्म नहीं करेंगे ऑप्शंस में है शान हुमायूं सईद फहाद मुस्तफा कोई एक नाम शान आप पाकिस्तान के वाहिद स्टार हैं जिनके लिए ये बात कर रहे हैं कि मैं इनके लिए कभी भी अपना प्लेबैक सिंगिंग में परफॉर्मेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये अल्लाह का वास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है वालिद साहब से भी बड़ी उम्र के बहुत अच्छा आप मेरे वालिद साहब से भी बड़ी उम्र के इन्होंने कहा है और माई साइको मेरी बात और इन्होंने ये भी कहा है कि वो अब थोड़े से साइको हो गए अब वो मेरी आवाज जो है उनके ऊपर शूट नहीं करेगी और मैं उनको हेलो हेलो कहता रहूंगा वो कोई और कुछ कहते रहेंगे और मैं अल्लाह माफ करे कहता रहूंगा जब वो मेरे गाने पे औरत मैंने कभी देखी नहीं